इज़ वेलकम टू आपकी किचन विद नीरू वालिया। आज हम बनाएंगे आपकी किचन में आम का पन्ना, जो हम स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 महीने तक। हमारा जो स्टोर किया हुआ आम पन्ना ख़राब नहीं होगा, आप जब मर्जी पीजिए और पिलाइए। और हम साथ में बनाएंगे मलांजू, जो हम खाना खाने के साथ खा सकते हैं। एक ही आम की सेम रेसिपी से हम दो दो डिशेस बनाएंगे। ओके गाइस, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं मैंगो, यहाँ पे 4 कच्चे आम लिए हैं, जो इनका मैंने जो डंडी काट ली है। अब मैं इनको डालूँगी एक कुकर में। ये हम आम पन्ना की तैयारी कर रहे हैं, प्लस हम इसका बनाएंगे मलांजू, जो हम सब्जी रोटी के साथ खा सकते हैं। और साथ में मैं गाइस डालूँगी इसके अंदर 1 गिलास पानी। जैसे हम आलू बॉयल करते हैं, ऐसे ही हम 1 सीटी लगवा करके 5 मिनट इसको पकाएँगे। तो गाइस मैं कुकर को करती हूँ बंद, तो हम इसको गैस पे ऑन रखते हैं। तो गाइस देखिए मेरे आम पन्ना उबल गए हैं। मैंने आपको बताया था जैसे आलू को उबालना है, वैसे सेम हम आम पन्ना के आम को छिलके समेत इसके सिर्फ फ्रंट काटेंगे। ये काफ़ी टाइम तक 6 to 4, 5, 7 मंथ तक आपका आम पन्ना कहीं नहीं जाएगा। फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, जब मेहमान आए आप इमीडिएटली 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको ठंडा होने रख देती हूँ, तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं चाशनी अपनी स्टोर करने के लिए। तो गाइस जब तक हमारे आम ठंडे हो रहे हैं जो हमने बॉयल करे हैं, तब तक हम मैं लूँगी एक पैन में 2 कटोरी चीनी, नियर अबाउट ये मेरी 400 ग्राम चीनी होगी। 1/2 किलो आम का वो है, आम थे जो मैंने बॉयल करने में। इसके अंदर 1/2 गिलास डालूँगी पानी, क्योंकि हम स्टोर करेंगे 1/2 गिलास डालूँगी पानी। और मैं इसको पका लूँगी चाशनी को। तो गाइस मैंने मेरे आम कुछ ठंडे हो गए हैं, मैं इसके अंदर डालूँगी 1 गिलास पानी। उधर हमने चाशनी पकने रख दी है अपनी, इसको मैं ऐसे करके मैश करूँगी और हम इसका सारी गुठली निकाल देंगे। हैंड मैंने अच्छी तरह से वॉश करे हुए हैं अपने। ये पुरानी तकनीक है गाइस, आप चाहो तो आम को छिलका उतार करके भी बॉयल कर सकते हो, लेकिन अगर आप विद छिलका करते हो तो इसका अच्छा प्रॉपर जूस हमें, जो अब छिलके के भी जो प्रॉपर अरोमास होते हैं वो इजीली हमारे इसके अंदर आते हैं। अगर हम छिलका अलग कर देते हैं तो फिर वो गुद्दा ही गुद्दा आ जाता है, लेकिन जो अरोमास प्रॉपर आम के होते हैं वो नहीं आ पाते। तो ये हमारी पुरानी तकनीक है दादी नानी के टाइम की। गाइस जैसे कि मैं ये देखिए ऐसे करके इसका सारा पल्प निकाल लूँगी छिलकों का से, ऐसे ही मैं एक एक करके सारा पल्प साफ कर दूँगी, मतलब कि अपना इसके अंदर डाल दूँगी बाउल में। तो गाइस मैंने सारे छिलके का गुद्दा जितना भी था अच्छी तरह से नाइफ़ से निकाल लिया है। अब मैं इसकी गुठली भी निकाल दूँगी, उसमें से भी सारा पल्प निकाल लेंगे। लेकिन हम गुठली की भी एक मलांजू वाली सब्जी टाइप, जो कच्ची सब्जी प्याज डाल के, कच्चा प्याज हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है सब गर्मियों में खाने के लिए, तो उसी तरीके से हम इसकी चुस्की वाला भी बनाएंगे। मैंने गुठलियाँ भी अच्छे से कर ली हैं, अगर आप फेंकना चाहते हो तो फेंक दीजिए, मेरे घर में मेरे को पसंद है जो प्याज वाली सब्जी, इसकी मलांजू जिसे कहते हैं हिमाचल में, तो काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारी गर्मी को बड़ी जल्दी दूर करता है। तो गाइस हमारी देखिए, मैंने 1 गिलास प्यूरी वहाँ पे 2 कटोरी चीनी में डाली, 1 गिलास मैंने जहाँ पे डाला है। तो गाइस चीनी मेरी घुल गई है, जहाँ आप देख सकते हैं प्यूरी हमने तैयार करी है। इसको हल्का सा चाशनी को मैं पकाऊँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं नमक। ये काफ़ी टाइम तक प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं इसको, आम पन्ना को, जो मार्केट जैसा ही बनेगा गाइस जब हम इसकी प्यूरी प्रॉपर छानेंगे पकाएंगे। इसके अंदर डालूंगी मैं काला नमक भी 1 चम्मच,
ये हम स्टोर करने वाला अम्पन्ना बना रहे हैं। अगर गाइज आप स्टोर करने वाला नहीं बनाना चाहते हैं, इमीडिएटली वाला भी बनाएंगे, तो उसके अंदर हम शुगर को इतना नहीं पकाएंगे। फिर हम चीनी डायरेक्ट डालेंगे, सिंपल सिर्फ आधा चम्मच डाला मैंने काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डाला मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, प्लस इसके अंदर मैंने ना जैसे मैंने आपको बताया था मैं सुखा के स्टोर फ्रिज में कर लेती हूँ, ऐसे ही मैंने पुदीने को भी धो करके वॉश करके स्टोर करके साफ़ करके रखा हुआ है। तो मैं कुछ पुदीना इसके अंदर क्रश करके डाल दूँगी, क्योंकि पुदीना हमारे लिए काफ़ी अच्छा और हेल्दी होता है और आम पन्ना में पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी प्यूरी जो हमने बनाई है आम पन्ना की। अब मैं इसको 5 से 10-15 मिनट तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं ये मेरा पक रहा है ना, तो पकते पकते जैसे झाग सी आ रही है, जैसे ही ये 5-10 मिनट के लिए पक जाएगा ना तो ये झाग ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी और आपको पता चल जाएगा हमारा ये पक गया है। इसके अंदर नेचुरल पुदीना के हमारे अभी फ़िलहाल फ्लेवर्स आ रहे हैं, जब हम इसको हैंड ब्लेंडर से बीट कर देंगे ठंडा होने पे तो ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए गाइस बहुत अच्छा आम पन्ना बनेगा ये हमारा, काफ़ी हेल्दी, जो मार्केट में जो हल्दीराम वाले का आता है आम पन्ना, जलानी वालों का भी आम पन्ना आता है, सेम वैसी ही मार्केट जैसी बॉटल बन जाएगी जो आपकी, स्टोर करके रख सकते हैं 4 से 5 महीने तक आपका जिस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसे गेस्ट आए हैं आप 1 मिनट में इसको तैयार करके पिला सकते हैं। तो गाइस जहाँ पकते पकते में मैं डालूंगी इसमें लेमन जूस, इससे चीनी जो हमारी है ना नीचे नहीं जमेगी, बाद में जब हम बॉटल में स्टोर करके रखेंगे ना तो आपकी चीनी जमेगी नहीं और एक लेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर भी जे देगा इसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं, देखिए झाग सारी ख़त्म हो गई है ऊपर की, मुझे 10 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, 10 से 12 मिनट है ना, तो ये क्रिस्टल जैसी शाइन भी आ गई है, देखिए एक चमक सी आ गई है इसके अंदर, तो इसका मतलब हमारा ये पक चुका है। अब हम गैस को करेंगे बंद और फिर हम इसको ठंडा करते हैं, ठंडा कर। तो गाइस जैसे कि देखिए हमारा जो काफ़ी ठंडा हो चुकी है प्यूरी जो मैंने आम पन्ना की तैयार करी है, इसको हम एक जग में ले लेंगे और बीट करेंगे। तो गाइस मैंने इसको जग में एक में ले लिया है, इसको मैं बंद करके मिक्सी में बीट करूँगी। तो गाइस मैंने प्यूरी कर दी है बीट, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं हम इसको छन्नी में छान लेंगे। तो गाइस देखिए हमारी बिल्कुल क्लियर प्यूरी तैयार है आम पन्ना की, हम कभी भी इनको बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं ना, जे हमारी जमेगी। जैसे ही गेस्ट हैं आप 1 चम्मच 2 चम्मच किट्टे में पिला सकते हैं, आप गेस्ट को पिला सकते हैं, आप घर में डेली पी सकते हैं, जो काफ़ी ठंडा गर्मी में से हमें राहत देगा। आम पन्ना प्योर आम पन्ना है जो घर का हमारा, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने पुदीना जीरा पाउडर सब डाला है। देखिए गाइस इसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, जो हमने आम की गुठली डाली है उसके अंदर हम इसको पानी में मिला के डाले देंगे। तो गाइस जो मेरी गुठलियाँ थी मैंने उसको जग में डाला जिसमें मैंने बीट किया था, है ना, और हमने इसका सारा पाउडर भी डाल दिया जो हमारे पास छन्नी में बच रहा था, इसको हमने करके इसके अंदर ऐड करूँगी मैं प्याज कच्चा कटिंग करके। ये हमारा आम पन्ने का
जो गुटली वाला था, जो हम खाना खाने के साथ अपने कोई भी सूखी सब्जी के साथ, दाल के साथ आप इस चटनी को एज ए मलांजू इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डालूंगी मैं हरा धनिया जो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है घर में। ये हमारा मलांजू तैयार है, प्लस हमारा आम पन्ना तैयार है। अब मैं आपको बना के गिलास में डालकर दिखाती हूँ। तो गाइस, जैसे आपके घर मेहमान आए या कोई आए, आप अपनी बॉटल में स्टोर किया हुआ आम पन्ना डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एक स्कूप, दो स्कूप, जितना भी आप डालना चाहते हैं, और ऊपर से डालेंगे आप आइस। आइस को करेंगे आप शेक। तो गाइस, जहां मैं पानी ऐड कर रही हूँ, आप सोडा जो प्लेन आता है हमारा खारा सोडा, वो भी इस आम पन्ने में पानी की जगह डाल सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा खारे सोडे के साथ, और पानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो आम पन्ना तैयार है सर्व होने के लिए, पीजिए और पिलाइए, पीजिए। थैंक यू आपकी किचन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस, ऐसी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।